देखिए ये हमारे भैया हैं सोनू भैया और ये उनकी वाइफ है। हम यहीं से सारा सामान खरीदते हैं इनसे, तो ये कह रहे हैं कि हमें भी आज ब्लॉग में ले लो। तो मैंने हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, ब्लॉग विद सिया में आप सबका स्वागत है। आज अभी बज रहे हैं 7:30 और मैंने जो है सबका ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया है और सिया के डैडी ने तो ब्रेकफास्ट कर भी लिया है। आज मैंने ब्रेकफास्ट में पता है क्या क्या बनाया है, आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया है सिया के लिए आलू का पराठा, क्योंकि सिया कह रही थी कि मैं आज आलू का पराठा ले जाऊँगी स्कूल में, उसका लंच भी पैक कर रही हूँ अभी। और मैंने यहाँ पर आलू बड़ी की सब्जी बनाई है ऑफिस के लिए, तो सिया के डैडी ले जाएंगे आलू बड़ी की सब्जी और रोटी, और सिया ले जाएगी पराठा। और खाने के लिए मैंने बनाया था महेंद्र के लिए नमकीन सेमिया। तो अभी जो है मेरा सारा जो है किचन का काम हो चुका है, बस अब मेरा सिया भी तैयार हो रही है स्कूल के लिए, स्कूल जाएगी, उसके बाद देखते हैं फिर मैं क्या क्या करती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि आज मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूँ, तो वही मैं आपको, इसलिए मैंने आज ब्लॉग बनाया। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है, 7:30 बजे 8 बजे अब धूप आ जाती है तेज, अब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है घरों में। और सिया भी अब रेडी हो गई है, नहा गई थी, लेट उठती है तो फिर फटाफट फटाफट करती रहती है काम। ये देखिए सिया से मिली है, ये देखिए बाल बना रही है सिया। लेट हो गया, इसको हमेशा है लेट होता है, ये लेट उठती है फिर फटाफट नहाती है ब्रश करती है। देखो इसका अभी हेयर स्टाइल बन रहा है, सिया का हेयर स्टाइल बन रहा है, उसके बाद ये। अरे ऐसे बाल भी तो ठीक रहते हैं, नहीं मतलब एक भी क्लिप की जरूरत नहीं रहती, वरना ना उसमें हजार क्लिप पे होते। हाँ सही बोला, अभी ऐसा वाला हेयर स्टाइल बना लिया, अच्छा लग रहा है। तो गाइस सुबह के अभी जो टाइम हो रहा है, ये टाइम ऐसा होता है बहुत ज़्यादा हैक्टिक टाइम होता है सबको, ऑफिस जाने के लिए, किसी को क्या कहते हैं स्कूल जाने के लिए, सबको देरी हो रही होती है। और अब तो मैं तो घर पे रहती हूँ तो मैं फ्री रहती हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही ब्लॉग बना लिया करूँ, क्योंकि सिया कहती मम्मी मेरे को इतना टाइम मिलता नहीं है तो आप ही कवर कर लिया करो। फिर मैं कहती चलो ठीक है मैं ही कवर कर लेती हूँ। अभी ये सब जो है रेडी हो रहे हैं, उसके बाद मैं घर का काम करूँगी अपना बाद में। अभी तो मैं थोड़ी देर बैठ रही हूँ क्योंकि मैंने अभी खाना वाना बनाया, तो थोड़ा सा मैं रिलैक्स फील कर रही हूँ, तो अभी देखते हैं क्या करना है। तो गाइस आज मैं अपने बालों में ना ऑयलिंग करूँगी और मैं आपको बताऊँगी कि मैं कैसे अपने बालों में कौन सा ऑयल लगाती हूँ जिससे कि मेरे जो बाल हैं वो अच्छे और सिल्की हो जाएंगे, क्योंकि मेरे बाल लंबे भी हैं। तो मैं आज आपके साथ अपने सीक्रेट शेयर करूंगी कि मैं कैसे अपने बालों की केयर करती हूं, तो आप मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए। मैंने ना कान छिदवाया था ना सिया ने, वो उसका बंद हो गया है क्योंकि वो बार बार उसका ना कान का निकालती रहती है, कान का नहीं निकालती रहती। मेरा पक रहा था, तो मेरा कान ना पक रहा था, तो कल मैं ना केमिस्ट से दवाई लेके आई थी अपने लिए, तो मैंने उसको निकाल दिया था। अब मेरे होंठ भी फट रहे, मैंने भी बाम लगाया है। बाय सिया। बेटा मास्क ले लिया आपने? मास्क ले लिया? मास्क लो पहले, चलो लेके सिया ये लो अपना मास्क लो, ये लो, बाय टेक केयर। सिया भी स्कूल चली गई है और उसके डैडी उसको छोड़ने गए हैं अभी, तो चलो मैं आपको अभी फटाफट से काम कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, उसके बाद मैं आपको अपने बालों के सीक्रेट के बारे में बताऊँगी कि मैं क्या लगाती हूँ जिससे कि बाल सिल्की अच्छे हो जाते हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। आपको यहाँ पर सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स लेने हैं, यहाँ मैंने ऑयल ले लिया है और ये मैंने एलोवेरा जेल लिया है, इन दोनों को हम मिक्स कर लेते हैं और इससे हम अपने बालों की मसाज करेंगे। यहाँ पर मैंने ये पहले बॉटल खोली है, मैं इसको इसमें डाल देती हूँ क्योंकि मेरे बाल लंबे हैं, तो मैं इसको थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लगाऊंगी, इतना मैंने ले लिया है। और ये जो है मैंने ये एलोवेरा जेल, अगर आपके घर में नॉर्मल जेल मतलब एलोवेरा लगे है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं।
तो मैं तो इसे यूज़ कर रही हूँ, वैसे मेरे घर में भी लगा हुआ है लेकिन मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। अगर आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं तो वो भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसको मैं इसमें मिक्स कर लेती हूँ। ये मैंने दोनों चीज़ों को इसमें मिक्स कर लिया है और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो गाइस, मैंने जो ऑयल में जो मैंने एलोवेरा और नारियल का तेल लगाया था, ये जो है डाला था, ये मैंने मिक्स कर लिया है अच्छे से। अब मैं इसे अपने बालों में अप्लाई कर लेती हूँ और इसको मैं एक से डेढ़ घंटा अपने बालों में रखूँगी। जब तक एक से डेढ़ घंटा मतलब मैं अपने घर का काम कंप्लीट करूँगी तब तक ये मेरे बालों में अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। तो इसको मैं अपने बालों में अप्लाई करती हूँ। ये देखिए, तो गाइस मैंने अपने बालों में सारे बालों में अच्छे से ऑयलिंग कर ली है। और ये देखिए, ये जो है नीचे भी मैंने अपने बालों में यहाँ पर अच्छे से इसमें ऑयल लगा लिया है। अब मैं इनको बांध देती हूँ। और सिया के डैडी भी ऑफिस चले गए हैं तो मैं अपने घर का सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ। उसके बाद मैं अपना हेयर वॉश करूँगी, उसके बाद मैं अपने बाल दिखाऊँगी कि मेरे हेयर वॉश के बाद बाल कैसे लग रहे हैं। तो मैं जब तक अपना घर का काम सारा फिनिश करूँगी उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी। तो ये मैंने अपने बालों में अच्छे से जो है ऑयलिंग कर ली थी। तो इससे ये होगा कि जो हमारे बाल हैं उनको पोश्चर मिलेगा अच्छे से और वो सिल्की हो जाएंगे थोड़े से। तो मैं आपको अपने जब हेयर वॉश कर लूँगी उसके बाद मैं आपको अपने बाल दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने नहा चुकी हूँ और मैंने अपने बाल भी वॉश कर लिए हैं। और बाल वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं बाल इतने सिल्की हो गए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे मतलब सिल्की बाल हो गए हैं। तो अगर आपको आप भी इसे अगर यूज़ करेंगे गोले का तेल और एलोवेरा को और उसको एक घंटे बाद अपने बाल वॉश कर लेंगे तो आपके इंस्टेंट जो आपके बहुत ज़्यादा ड्राई हेयर्स हो रहे हैं तो वो आपके ठीक हो जाएंगे और आपके जो हेयर हैं वो बहुत ज़्यादा सिल्की हो जाएंगे। तो चलिए, अभी तो मैं नाश्ता कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपको मिलूँगी। अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया है, अभी मैंने पूजा करी है उसके बाद मैं नाश्ता कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी। यहाँ पर मेरा पराठा बन रहा है और यहाँ पर मेरी बन रही है चाय। अब मैं नाश्ता करने वाली हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। गाइस, हम लोग वॉक कर रहे हैं अपने पार्क में और ये सिया है। सिया सिया सी 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 आना इधर। हाँ, अभी हम पार्क में वॉक कर रहे हैं, खाना खा लिया हमने और आज मैंने वाइट वाले छोले बनाए थे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। और मैं उसकी रेसिपी अपने चैनल पे डालूँगी तो आप ना पूजा किचन में जाके प्लीज़ उस रेसिपी को चेकआउट कर लेना। तो अभी तो रेसिपी मेरी कल आएगी तो शायद ये वाला ब्लॉग भी मेरा कल तक आ जाएगा। मतलब सिया का ब्लॉग है। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, और आज ना बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही तो हमने सोचा क्यों ना हम पार्क में घूमें और ना बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं आपको ना पार्क दिखाती हूँ। हमारे घर का पार्क बहुत सुंदर है हमारा। गाइस, ये देखिए हमारे घर का पार्क बहुत ही सुंदर पार्क है। और अभी हम लोग वॉक कर रहे हैं, आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पीसफुल माहौल है। अभी कोई भी पार्क में नहीं घूम रहा है तो अभी हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग पार्क में आए और मैं मम्मी को कह रही हूं और हमने सोचा आज हम पार्क का व्लॉग बनाएं क्योंकि हमेशा हम लोग घर के अंदर का ही व्लॉग बनाते हैं। आज हम बहुत ज़्यादा मतलब अपने पड़ोसियों से भी मिल रहे हैं क्योंकि और आज सिया की ट्यूशन वाली दीदी है, उस सिया ने अभी तक उसको रिजल्ट भी नहीं दिखाया है तो वो अभी सिया को डांट रही है, कह रही है कि उन्होंने रिजल्ट नहीं दिखाया। तो मैं आपको मिलाती हूँ आप हमारे नीचे वाली आंटी से। ये आंटी है, ये हमारी पड़ोस वाली आंटी है। ये देखिए लाइट भी जल चुकी है और ये है सिया की दीदी बेगा दीदी और ये सिया की टीचर है जो सिया को बचपन से ट्यूशन पढ़ाती थी। सेकंड क्लास से सिया को ट्यूशन पढ़ाती थी। अभी वो ब्लॉग में आने से ना शर्मा रही है एक्चुअली। अभी वो बाल बना रही है, अभी ना वो शर्मा रही है एक्चुअली। वो बहुत दिनों बाद मुझे कैमरा फेस किया है ना और एक ऊपर भी देख रही थी दीदी वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई है।
अंकल टीवी देख रहे हैं तो हमने सोचा चलो आज नीचे का ब्लॉग बनाते हैं। हाँ तो, क्योंकि अभी हम आए थे घूमने तो आंटी भी भारी मिल गई हमारी। हाँ ये स्टूडेंट है। हाँ ये बचपन से ही यहाँ पर रहती थी। हाँ यहाँ पर मतलब जब ये छोटी सी थी ना, जब ये फर्स्ट क्लास में आई थी यहाँ पर, तब से ये यहाँ पर दीदी के साथ रहती थी। जब मैं ऑफिस भी जाती थी तो इसको यहाँ पर रहना बहुत पसंद है दीदी के साथ। दीदी अभी इसकी बाल बना रही है तो इसने अपनी दीदी को रिजल्ट नहीं दिखाया तो इसकी दीदी इसको भी डांट रही थी। सिया देखिए, ये हमारे भैया हैं सोनू भैया और ये उनकी वाइफ है। हम यहीं से सारा सामान खरीदते हैं इनसे। तो ये कह रहे हैं कि हमें भी आज ब्लॉग में ले लो, तो मैंने बोला आज आप भी आ जाओ ब्लॉग में हमारे। अभी शॉप बढ़ाने वाले। हाँ हाँ, अभी अंकल जी चले गए हैं की जेब काटने के लिए। और ये मतलब यहाँ पर जो दुकान है ये एल ब्लॉक में, ये हमें सामान देते हैं सारा। और ये जो भी सामान देते हैं सारा बहुत अच्छा फ्रेश सामान देते हैं। तो अगर आप भी यहाँ हमारे घर के नियर बाय एल ब्लॉक में रहते हैं तो आप भी इन्हीं से सारा सामान खरीदें। हमारा सामान खा के इनकी सेहत बन रही है। हाँ हाँ हाँ। तो आप सबको बाय बाय कर दो। बाय, गुड नाइट कर दो। अभी हम बाहर से आ गए हैं, हमने भी आइसक्रीम लिया। मैंने एक आइसक्रीम खा ली थी तो मेरा गला बैठ गया, और मैं एक और मैंने वहीं खा ली थी खड़े खड़े ही एक आइसक्रीम, और एक आइसक्रीम मैं घर के लिए लाई हूँ। और मम्मी ने भी अपने लिए कुल्फी ले रखी है। मम्मी ने भी अपने लिए कुल्फी ले रखी है। मम्मी कितने वाली है? 30 वाली। और यहाँ हम 10 वाली। हम लोग आ गए पार्क, हमने सोचा था पार्क में घूमेंगे लेकिन हमारे पड़ोसी इतने सारे लोग मिल गए तो हमने पड़ोसी इतने सारे मिल गए। फिर मम्मी की बात बंद होती नहीं है, फिर मम्मी एक बार स्टार्ट होती तो फिर चुप तो बिल्कुल भी नहीं होती। हाँ तो फिर मम्मी वही आधा टाइम तो बातें करने में लग गया, फिर हमने एक ही राउंड मारा। पता नहीं ऐसा लगा था हम बातें करने गए हैं घूमने गए। तो आज हमने बहुत सारा वीडियो में कवर किया बाहर का, अदरवाइज नहीं तो हम हमेशा घर का ही कवर करते थे। हमने पहली बार बाहर का कवर किया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। लाइक भी करें, लाइक और बेल आइकन को भी प्रेस करें और इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय, मिलते हैं आपको नई वीडियो में। यो जी।